उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र भोगाव के ग्राम मानधाता के नगला के समीप स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्रा अनुष्का पांडे के साथ दुष्कर्म करके अभियुक्तों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। विद्यालय में स्थित छात्राओं के आवास भी मौजूद हैं और छात्राएं विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके छात्रावास में चली जाती थी। एक ऐसी काली रात आई, उस काली रात में अनुष्का पांडे के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म करके फांसी के फंदे पर टांग दिया। जब सुबह हुई तो छात्रों ने देखा कि अनुष्का फांसी के फंदे पर झूल रही थी। छात्राओं ने विद्यालय के अध्यापकों को बताया, अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर भोगाव थाना पुलिस पहुंची और पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर फांसी के फंदे पर झूल रही छात्रा को नीचे उतारा और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम हाउस मैनपुरी भेजा। वहां पर छात्रा का पोस्टमार्टम हुआ। छात्रा के परिवारजनों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने तहरीर प्राप्त करके जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में देरी होने के कारण अनुष्का के परिवारजनों ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। इलाहाबाद न्यायालय में आदेश जारी करते हुए कहा, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट भेजे। मैनपुरी पुलिस विभाग ने जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट खारिज कर दी और न्यायालय में रिपोर्ट सही ना दिए जाने के कारण इलाहाबाद न्यायालय के द्वारा पुलिस विभाग के कई अधिकारी सस्पेंड भी कर दिए गए। न्यायालय ने वापस सही रिपोर्ट मांगी है। दुष्कर्म हत्याकांड का मामला एक वर्ष पूर्व का है। 16 सितंबर 2021 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने पुलिस की कार्यशैली देखी और कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड भी कर दिए। इसके जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव पहुंचा हूं। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रावल सिंह यादव के पास मामला संज्ञान में भी है जनता के और हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। वो मामला है जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ। एक छात्रा जिसका नाम अनुष्का पांडे था, अनुष्का पांडे के साथ दुष्कर्म और विद्यालय के कमरे में फांसी के फंदे पर टांगा गया था रात्रि के समय। लेकिन सुबह प्रशासनिक अधिकारियों को भनक लगी और पहुंचे मौके पर अनुष्का को फांसी के फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा गया था। लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने सही रिपोर्ट आलंकित नहीं कराई है, ना हाईकोर्ट को सबमिट कराई है। उसी की वार्ता करने के लिए मैं रावल सिंह यादव जी के पास पहुंचा हूं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जनपद मैनपुरी से हैं। रावल सिंह यादव जी, यह बताइएगा, जो अनुष्का के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चल रही है और योगी जी चुनाव के से पहले भी दावे ठोक रहे थे कि महिलाओं के साथ सुरक्षा सरकार की तरफ से काफ़ी दी जाएगी, लेकिन महिलाओं के साथ कोई सुरक्षा नहीं है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में और दबंग लोगों के पक्ष में कहेंगे या विपक्ष में कहेंगे जो अभी तक खुलासा नहीं कर पाए पुलिस प्रशासन? अभी तक जो है उस पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनके माता पिता हमेशा से कहते आए कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार भी हुआ मेरी बेटी। जहाँ तक माता पिता जो है दोषियों की कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस जो है आत्महत्या का जो है केस बनाकर पूरा केस रफा दफा कर दिया है। आपको मालूम है हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि जहाँ पर जो है विदेशों में अपराधी को सजा दिलाने में 99% जाता है सिरे, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र अपराधी को सजा दिलाने में 5% ही उसका ग्राफ जाता है। क्यों जाता है? कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं लीपापोती कर देती है तो उसमें अपराधी जो है छूट जाता है। जब पुलिस की इतनी रवैया और कार्यशैली क्या खराब है क्या? ऐसा है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है सरकार के दबाव में काम करेगा तो निश्चित रूप से अपराधी वहाँ पर छूट जाएंगे, और अपराधी जब जब छूटते हैं तो अपराध बढ़ता है। क्या सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो रेप जिन्होंने मतलब दुष्कर्म किया था, उनके क्या पैर ज़्यादा ही गड़े हुए हैं, क्या पावरफुल है या ज़्यादा ही गहरे राजनीति? आपको मालूम है महिला आयोग की ये रिपोर्ट है कि पूरे प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो है 45% 46% लगभग
आपराधिक महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं, उसका आधा अपराध उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश का आधा अपराध उत्तर प्रदेश में, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आप सरकार में आए थे, वहां पर आपने बेटियों के उत्पीड़न ही नहीं रोक पाए, तो आगे विकास जो अधिकारी जांच कर रहे थे उसकी याचिका भी हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने 16/2009-2021 में काफ़ी प्रशासनिक अधिकारियों को काफ़ी डांटी फटकार भी काफ़ी कड़ी लगाई है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो काम जो है पुलिस को करना चाहिए था, वो काम आज जो है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम देश को कैसे बचा पाएंगे अगर हमारा नौजवान और छात्राएं अगर इस तरीके से उत्पीड़न बढ़ते रहे तो निश्चित ही रूप से देश अंधकार की ओर होगा। आपकी सरकार होती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्या आपके अखिलेश यादव के अन्याय पीड़िता अनुष्का पांडे को दिला पाती कि नहीं? ऐसा है, अधिकारी तो वही हैं जो आप ऐसा सरकार में हैं, वही भारतीय जनता पार्टी ऐसा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, तो वुमेन पावर के नाम से लखनऊ में बहुत बड़ा जो है ऑफिस तैयार किया गया, जहां पर 1090 के तहत पूरे प्रदेश में जो है अपराधियों को पकड़ने का काम किया गया। जितनी भी गाड़ियां आज हैं महिला सुरक्षा में, वो सब अखिलेश सरकार की हैं। आपने न गाड़ियां दी न कुछ दिया है, पूरे प्रदेश में जो है अपराध क्या बढ़ते चले जा रहे हैं। इन मामले में जांच देख रहे थे, क्या उसे हाईकोर्ट ने बर्खास्त करेंगे, उनके साथ क्या करेंगे? जो सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? अधिकारी सही रिपोर्ट देना चाहिए कि नहीं? अरे ये अधिकारियों को सही रिपोर्ट देना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात, अधिकारी का काम है कि पीड़ित हो उसको जो है न्याय दिलाना। अब जहाँ अधिकारियों का काम है वहाँ हम विपक्ष लोग काम कर रहे हैं, पीड़ित के पक्ष में जो है आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बाद भी जो है प्रशासन और शासन अनसुना कर रहा है, तो पीड़ित को न्याय कहाँ से मिलेगा? काफ़ी कुछ बताया है और काफ़ी भी जो बात थी अखिलेश यादव से, चाहे मुख्यमंत्री होते चाहे और भी होते, उन्होंने साफ खुलासा करते हुए अपनी बात को कहा है। मैं हुआ सनक जन सेतु न्यूज चैनल के साथ कैमरा मैन निकल सर जबरमैन।